Assalamualaikum to all the viewers, all the bikers, all the tourers. Viewers, ये आप देख रहे हैं Honda CG125FC Model 2021, जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड मेरी रिकमेंडेशन पे उन्होंने लिया, और अभी तो खैर बिल्कुल नया है। अभी मैं आपको रेडिंग दिखाऊं जी, यानी आप देखें ठहरे 1099 अभी चला है, आज इन्होंने ट्यून अप करवाया है। और आपको लुक दिखा दूं, ये आप देखें, ये लुक दिखा देता हूँ। और अब दिखाने का मकसद ये है, मैं आपको बताऊं कि क्वालिटी अगर होंडा गिरा रही है यार, तो बड़ा अफसोस की बात है कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इसको और आप इसकी क्वालिटी गिराते जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि ट्यून अप करवाया, और ट्यून अप कराने पे, बल्कि ट्यून अप कराने से पहले क्या हुआ कि व्हील इसका हो गया जैम, हो गया चलते चलते, समझ ना आए कि क्या वजह है। और देखा इन्होंने बिल्कुल, ये बिल्कुल ना यूं हिले ना यूं हिले। और फिर खैर करीबी एक मैकेनिक को बुलाया, उसने खोला चेन कवर, खोला इसका चेन कवर, खोला तो उसके अंदर से ये निकला। आप ये देख रहे हैं, ये मेटल का है ये, अच्छा ना ही ये कोई चेन कवर का पार्ट है। और आप ये देखें कि किस तरीके से ये लापरवाही की इंतहा, कि आप ये देखें कि चेन कवर के अंदर ये डाला था और ये चेन इस पर लगी है, और चेन लग के ये मेटल का पीस ने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा तो मैं बुलाता हूँ जी अपने बड़े अच्छे फ्रेंड वकास को। विकी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा कुछ अगर बताएंगे यहीं पे आके बाइक के पास आके। जी ये मैंने रमज़ान के लास्ट अशरे में ही लिया था, तो नईम भाई की रिकमेंडेशन पे लिया था ये मोटर बाइक, तो रनिंग वगैरह बड़ी अच्छी की इसकी। तो तकरीबन 2-3 दिन पहले ही हम इसको इस्लामाबाद पार्लियामेंट वाली रोड पर लेके गए थे, तो मैं रनिंग फाइनल कर रहा था, तो चलाते चलाते एकदम से व्हील जाम हो गया, मैं गिरते गिरते बचाऊँ। तो खैर साइड पर खड़ा किया, तो PSO का पंप है वहाँ पर, मैकेनिक भी थे बाहर, तो उसको कहा खोलो देखो पता नहीं क्या मसला है। तो खोला तो फिर अंदर से ये पार्ट निकला, इसको बाइट किया चेन, और जिसमें प्रेस हुआ है, देखें ये प्रेस हुआ है इसके दंदे और ये सारा कुछ। तो ये मैंने फिर संभाल लिया। फिर मैं आज फर्स्ट ट्यूनअप पर गया था, तो उनको बताया मैकेनिक्स को, मरी रोड पर जो बैठे हुए हैं काफ़ी, उन्होंने बताया ये तो चेन कवर का पार्ट ही नहीं है, या तो चेन कवर अंदर से टूटा हो, तो शायद वेल्ड होता ना अंदर से, वो भी नहीं था, पता नहीं चीज़ फिटिंग करते हुए इतनी लापरवाही है कि ये बीच में आ गया, और उसकी वजह से अब मुश्किलात तो फिर होती हैं। तो बिल्कुल आप मतलब कंपनी को क्या मैसेज देंगे इसके क्वालिटी कंट्रोल के बारे में? क्वालिटी तो सारों को ही पता है कि ये जो न्यू मॉडल आता है स्टिकर चेंज होता है, और क्वालिटी तो गिरी, एटलीस्ट इन चीज़ों का तो ख्याल करें। इवन के प्राइस इसकी आप दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ क्वालिटी कंट्रोल जो है उसका तो ख्याल करें। और आप एक कंट्रोलेबल स्पीड में थे, खुदा जी तेज जी, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे ही था, तो एकदम से मैंने मोटरसाइकिल जो है रोक ली, हाई स्पीड में टूटता तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा व्यूअर्स, ये मैसेज मैं आपको ख़ास, मतलब ये अब होंडा वाले कोई अगर देख रहे हैं, मैं फॉरवर्ड तो करूँगा एटलस होंडा, मैं मतलब आप लोगों को प्रमोट करके, और ना ही अक्सर लोग समझते हैं जी आई एम पेड फॉर दिस, हालांकि कोई ऐसा चक्कर नहीं है, अगर कोई ऐसी बात हो तो मैं बताऊं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि बग़ैर किसी वजह के मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं। और क्वालिटी का हाल देखें कि क्या हो रहा है। अब ये एक शॉर्ट सी वीडियो इसीलिए व्यूअर्स बनाई है, आप हों तो ये मेक श्योर करें, और कंप्लेंट कोई ऐसी हो तो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो क्वालिटी को इसकी बेहतर बनाए। इसके साथ ही व्यूअर्स अब दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।